पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जहां महिलाएं दिन भर अपने पतियों के लिए तपस्या करती हैं, तो वहीं पति भी अपनी पत्नियों की खूब देखरेख करते हैं। पब्लिक टीवी के एक खास कार्यक्रम में शहर के कुछ गणमान्यों ने अपनी पत्नी के लिए अपना प्रेम प्रकट किया। अपनी अर्धांगिनी के लिए सचिन अग्रवाल ने चंद लाइनों में प्रेम का इजहार किया और उनके साथ जन्म जन्म तक रहने का वादा किया। जोड़ी तेरी मेरी कभी टूटे ना, तुम और मैं कभी रूठे ना, हम तुम साथ जन्म साथ निभाएंगे, हर पल मिलकर खुशी साथ मनाएंगे। जीवन संगनी का हर कदम पर साथ मिला दीपक बाबू को। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें हर कदम सपोर्ट किया है और वो हमेशा ही उनके सुख दुख में भागी बनी है। दीपक बाबू ने किस तरह से प्रेम का इजहार किया, आप भी सुनिए। एक दुआ मांगते हैं हम भगवान से, आपकी खुशी चाहते हैं पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हों आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। तो वहीं साइबरमैन मनीष गोयल ने भी अपनी पत्नी के लिए बेस्ट विशेष दी और इन्होंने भी अपने प्रेम का इजहार किया। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने उन्हें हर कदम सपोर्ट किया है और वो हमेशा ही उनके सुख दुख में भागी बनी है। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत के हिंदू रिवाज में हुआ है, जहां हमें एक महिला जो अनजान होती है शादी से पहले और शादी के बाद हमारे लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है, हमारी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग अपना वैवाहिक जीवन बनाते हैं। और हमारे यहाँ के पुरुषों को तो एक और भी जो है गौरव की बात है कि एक तरफ जहाँ हमारी वाइफ पूरे दिन व्रत रखती है, वहीं हमारी माँ भी हमारे लिए वही आटे का व्रत रखकर हमारे लिए लंबी आयु की जो है कामना करती है। हम लोग कितने खुशनसीब हैं और इसी के साथ हम लोग वैवाहिक जीवन भी निभाते हैं, अपने व्यापार में, अपने परिवार में, सब जगह सुख समृद्धि से रहते हैं और अच्छे भविष्य के लिए भी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाते हैं कि देखो इन रिवाजों से हमें कितनी सुख समृद्धि मिलती है और हम लोगों को हमेशा इन रिवाजों को निभाते रहना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग वैवाहिक जीवन में सबसे मेन होती है अंडरस्टैंडिंग, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहती है कि हम लोग एक दूसरे के लिए कितने जो है अच्छा हम कार्य करते हैं और अच्छा सोचते हैं और एक दूसरे के जो दुख होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं।